يو ذا سي ديفرنت فريدم يو اندر دي ديمي كانا عم اشتغل اصلا بس يو باكري اه يو كان سكم 3 غزه 3 غزه ليك اولو باقي اور كي तो आज मेरा कुछ डीन से ट्रेड सेंटर जो है पिशावर उसमें मेरा काम था। बड़े दिनों बाद मैं यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पर पता नहीं क्यों बस आना होता ही नहीं। हालांकि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा शॉप्स है, हर तरह की वैरायटी आप लोगों को मिल जाती है। ये सब ये बेडशीट की शॉप्स आप देख सकते हैं कि दो तीन शॉप है और काफ़ी ज़्यादा इनके पास चीज़ें हैं, कुशंस, बेड कवर, मतलब जो जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो खैर पता नहीं क्यों डीन्स आना होता ही नहीं है। कपड़ों की वैरायटी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लॉन की भी, इसके अलावा फैंसी की भी, मगर ये यहाँ पर इतना रश नहीं होता जितना रश सदर बाज़ार में होता है। बस दोबारा से मैंने रक्षा पकड़ लिया, जो मेरा काम था डीन्स में मैंने वो किया है। उसके बाद मैं आ गई थी सदर बाज़ार और ये बाहर वाली साइट है, मुझे आना था इस वाली शॉप। इसे का एड्रेस मैंने आप लोगों को दिखा चुकी हूँ पिछले व्लॉग में। इनसे मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, हाँ सारी की सारी अफवानी चीज़ें मिलती हैं। अब मुझे इस तरह की ये चाहिए थे तो यहाँ पर ये लेने के लिए मैं आई थी और वो कह रहे थे कि आराम से बैठ कर अपने लिए ले लो जितनी भी लेनी होंगी। तो ये अफवानी सामान है, मतलब ज्वेलरी वगैरह है, हर किस्म की फ़्रॉक पर लगाने वाली चीज़ें मीज़ें हैं। वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, फिर इंशाल्लाह दिखाती हूँ आपको। अब मैं आ गई हूँ सदर बाज़ार में और ये सदी की मार्केट है, बेसमेंट है। यहाँ पर कुछ वेलवेट के कपड़े मुझे अच्छे लग रहे थे। अब ये वाली वेलवेट इनके पास काफ़ी अच्छी थी मगर ये ख़त्म हो गई थी। ये कुछ शेफोन वेलवेट बोल रहा था, ये तो खैर फोनेक्स है, ये वो वाली वेलवेट है। इसके अलावा इनके पास काम वाले भी बहुत प्यारे प्यारे कपड़े थे, मतलब शर्ट फुल इस तरह का फ्रंट भरा हुआ काम का, साथ में स्लीव्स भी आपको मिलेंगे। हाँ बैक आपको प्लेन मिलेगी, साथ में शलवार प्लेन मिलेगी, मतलब ये टू पीस में सूट हैं। थ्री पीस थी और सो बनाएगा सो देगा कमीज और शलवार बना। ये माशाल्लाह देखने में बहुत प्यारा काम है। वीडियो में इतना खास का इसकी क्वालिटी का पता नहीं चल रहा, लेकिन जैसे बंदा काम करवाते हैं उस तरह का फुल भरा हुआ है। और ये 20,000 रुपये का मतलब टू पीस देता है बगैर दुपट्टे के, और फ्रंट और स्लीव्स भरे होंगे। उसके अलावा इनमें इस तरह के डिज़ाइन भी थे, कलर्स में बहुत प्यारे प्यारे थे, यकीन करके मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था। मैं करीब से भी दिखाती हूँ, जो बंदा हम ऑर्डर पर देते हैं काम के लिए बिल्कुल वैसे ही इनके पास ये पहले से काम हुआ हुआ था। वेलवेट की क्वालिटी भी अच्छी है, कलर भी इसमें अच्छे थे, मगर काम की वैरायटी, मैंने इनसे पूछे ये काम आप लोग कहाँ करवाते हो, तो कहते कि चाइना से हम लोग ऑर्डर पे करते हैं, इस वजह से ये प्यारा सा काम है। तो इस तरह का तो अभी तक मैंने किसी के साथ किसी के पास नहीं देखे, ये फर्स्ट शॉप थी जिनके पास मैंने इतना प्यारा सा काम देखा है। दो कलर ना जी, चार कलर की बजे दूर आए देखो खैर आता। बाज़ार जब भी आओ तो आपको कोई नई नई चीज़ ही मिलेगी, अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ लाट में आई होती है, कुछ चाइना की आई होती है। इनके पास भी थे, ये वही मार्केट है, सदीकी मार्केट है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉप से बेसमेंट में भी अच्छे अच्छे कपड़े हैं। तो अभी मैं इनकी फैंसी कपड़े भी कुछ देख रही थी, ये वाला कपड़ा भी बहुत प्यारा था। ये मतलब जैसे वो चिकनकारी कहते हैं वो वाले सूट होते हैं, साथ में कुछ सितारे मितारे भी लगे होते हैं। तो इस तरह की वैरायटी आप लोगों को काफ़ी मिल जाती है। इनसे मैंने माशाल्लाह से ढेर सारे फैंसी कपड़े लिए, क्योंकि आप लोगों को मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया था जिसमें मैंने फैंसी कपड़े दिखाए थे। अब इसको देख ले, ये जैकार्ड की शर्ट है, ये इनके पास लास्ट पीस रह गया था, मगर ये बिल्कुल बनारसी लग रहा है जैसे बनारसी का कपड़ा हो। तो मैंने फ़ौरन से ही उठा लिया। उसके अलावा इनके पास इस तरह के दुपट्टे भी हैं जैकार्ड वाले, इसके साथ ये दुपट्टा भी मैच कर रहा था। मुझे एक दुपट्टा भी चाहिए था, जो मैंने एक सूट लिया है एथनिक से, उसके लिए मुझे दुपट्टा चाहिए था। आज माशाल्लाह मैंने फैंसी कपड़ों की बहुत सारी शॉपिंग की है, फिर मैं दिखाऊंगी ऐसा ऐसा आपको, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा और यहाँ पर सर्दियों की तैयारी शुरू हो गई है, मतलब शूज़ आना शुरू हो गए हैं। सुपर क्वालिटी रही अल्लाह ने, हेवी बॉर्डर पे शेड्स बदर कम मिला था, सिर्फ पैटर्न बस खत्म। क्वालिटी दी का ना भाजी तो ऊपर लाइट वेट दे, बिल्कुल सुपर क्वालिटी रही। द प्राइस हमरा तो है कहीं से मत अंदाजा हो।
22000 के 22000 ये पैटर्न है सेम प्राइस पे तो स्टॉक में रेंज फिनिश था हिलाओ बशीर दजर तखम खाखम। और आप लोग की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि मैं कुछ गर्म शॉल भी दिखा दूँ, तो इंशाल्लाह मैं ब्लॉग बनाऊंगी एक स्पेशल आप लोगों के लिए। फ़िलहाल मैं यहाँ पर एक शॉप पर आ गई थी, यहाँ पर मैं देख रही थी इनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा थी मगर महंगे काफ़ी ज़्यादा है। महंगे इस वजह से कि देखने की चीज़ है, यकीन करें कि बहुत प्यारे प्यारे शॉल इनके पास, बिल्कुल प्योर पश्मीने के शॉल और उसके ऊपर इस तरह की अच्छी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। जो प्योर की शालें होती हैं उनकी कीमतें ज़्यादा होती है मगर क्वालिटी भी अच्छी होती है। अभी तो ये सीज़न नहीं है तो ये लोग इतनी प्राइसेस के बोल रहे हैं, जब कहते सीज़न आएंगे तो फिर तकरीबन 25,000 और 25,000 से ऊपर ही ऊपर होंगे। तो खैर इन्होंने मुझे काफ़ी वैरायटी दिखाई है और मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। अब ये वाला भी बहुत खूबसूरत था, मतलब आप लोग शादी उमदियों के लिए, बेटियों के लिए, बहू के लिए इस तरह की शॉल अगर मंदा ले रख ले तो अच्छी बात होती है। इतने प्यारे प्यारे कलर दिखा रहा था मुझे कि मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं भी एक दो शाल ले ही लूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास गुंजाइश नहीं थी पैसों की, क्योंकि फैंसी कपड़े के मैं लेते लेते मैं अपने लिए भी कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। तो खैर अभी इंशाल्लाह लेना तो होंगी, इस तरह की शॉलें वगैरह भी पहनी जाती हैं, फैंसी होती हैं, कपड़ों के साथ भी अच्छी लगती हैं। तो ये गोरा बाज़ार ही में शॉप है, इनके पास बहुत सारे वैरायटी है। अब मुख्तलिफ मुझे दिखा रहा था ये, अब ये भी बहुत प्यारी है, कुछ जैकार्ड मतलब जिसे जरी कहते हैं उस टाइप की शॉल थी। मुझे तो इनके नाम इतने ख़ास नहीं आते क्योंकि हर एक शॉल के अपना कुछ नाम होता है, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को कुछ दिखा सकूं क्योंकि बड़े मुझे कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे। तो इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी, लो प्राइसेस वाले भी दिखाऊंगी क्योंकि आजकल तो लो प्राइसेस में इतना कुछ मिलता ही नहीं। हाँ इनके पास भी थे एक दो, मुझे इन्होंने दिखाए लो प्राइस के, लेकिन वो देखने से पता चल जाते हैं कि आम वाले हैं और ख़ास वाले का पता चल जाता है, बस वो जिनको पहचान होती है तो वो ले लेते हैं। अब ये वाली शाल ऐसी थी जैसे मैंने आप लोगों के लिए वो अतलस वाली शाल ली है, ये बिल्कुल उस टाइप की थी, वो बिल्कुल इसी तरह थी, शाइन थी, नरम थी और बहुत खूबसूरत थी। अब ये दिखा रहा था ये कुछ लो प्राइस में है। तो खैर बाज़ारों में भी अब सर्दियों के असरात शुरू हो गए हैं, मतलब शूज़ वगैरह इस तरह गर्म शॉलें हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह फिर मरीने के जो सूट आएंगे, लीलन के, खद्दर के, इस तरह के सूट आएंगे, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो बस यहाँ पर कुछ मैंने आइडिया लिया है, मैंने कहा देख लेती हूँ कि शॉल के प्राइसेस आजकल क्या है, क्योंकि ये बंदा एक दफ़ा ले लेता है तो फिर कई कई सालों तक पहनता है, यूज़ करता है। वैसे अरशीन और सुरखाब में जो पेशावर में रहते हैं उनको तो पता है कि उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। देखिए कार कलर बदल देगा ना, दरी बेस कलर पिसुल अस्तर के 8-10 पिसुल है जरा सर, स्किन के टोन अस्तर है दे। हां कलरफुल हम सर रंगू नहीं आ रहा। चले जी यहाँ तो मेरी शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट और दोबारा से मैं जा रही हूँ गोरा बाज़ार क्योंकि मेरा एंड इधर ही होता है। और बस जी मैं निकल आई थी घर के लिए और रास्ते में मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, बस कभी बादल आते तो मौसम अच्छा हो जाता है। बस मैं आ गई थी घर और ये वाला सूट मैं लेकर आई थी जो मैंने लिया था, जिसको मुकेश कहते हैं, एक दूसरा नाम भी लेते हैं लेकिन वो मुझे बिल्कुल भूल गया, जो बिल्कुल मुकेश की तरह है, कामदानी का सूट। हाँ जी कामदानी का सूट, तो ये मैंने दिया था डाई के लिए, ये भी मैं लेकर आ गई हूँ। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये वाले सूट डाई होने के बाद बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे डाई हो जाते हैं। ये वही वाइट कलर का सूट है जो मैंने काफ़ी ज़्यादा लिए, अपने लिए भी ली है। तो ये है शर्ट का पीस, दुपट्टा और शर्ट एक ही जैसा ही, जिस बहन के लिए मैंने डाई करवाया तो उनको फिरोजी कलर चाहिए था, फिर साथ में जो था तो ब्लू कलर चाहिए था, तो ये माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत डाई हो गया है। और ये दुपट्टा है, शर्ट भी बिल्कुल इसी तरह है, मतलब शर्ट इस तरह बनेगी कि फ्रंट आधा एक कलर का होगा आधा दूसरा कलर का होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस ये भी अपने साथ ही मैं लेकर आ गई थी क्योंकि इनका जो पार्सल है वो सारे कपड़े मतलब कम्प्लीट है, सिर्फ ही एक सूट रह गया था और फिर जब डाई के लिए दो तो टाइम लगता है, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। अगर आप लोगों ने भी फिर इस तरह के डाई करवाने हो सूट, तो काफ़ी मेरी बहनें मुझसे ले चुकी हैं, तो फिर अगर वो डाई करवाएंगी तो माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत रंग इनका आएगा और बिल्कुल ऐसा लगेगा जो ये मुकेश है, हालांकि ये मुकेश नहीं है।
तो बस ये टू पीस सूट था, कमीज और दुपट्टा है इसका। शलवार कोई भी कलर का आप मैच कर सकते हो, मतलब दो भी लगा सकते हो, नेवी ब्लू और साथ में जो फिरोजी कलर है तो ये भी मैच कर सकते हो। डाई भी आप हर तरीके से कर सकते हो, टाई एंड डाई भी कर सकते हो, जो जो कलर आपको पसंद है तो आप डाई कर सकते हो। ये तो फिर वैसे ही मैंने आप लोगों को सिर्फ आइडिया दिया है कि इस तरह का मैंने इसको डाई करवाया है। तो यहाँ पर उनका पार्सल माशाल्लाह रेडी हो गया है। एक मैंने ये जो लाट में सूट थे ये मैंने उनके लिए है, ये सारे के सारे मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मगर मैंने कहा कि जब तक मैं पार्सल डिस्पैच ना करूँ तब तक फिर भी आप लोगों को मैं दिखा दूँ। और ये उनके लिए मैंने उसका सूट लिया था, क्या कहते हैं उसको, पलची का सूट लिया था। ये भी थ्री पीस सूट है मगर एक पैकेट में बन नहीं हो रहा था इसलिए मैंने दो में बन किया। ये भी मैं बहुत पहले उनके लिए लिया था, जरी बरोशिया है। साथ ही मैं उनके लिए मैं शलवार इनर का कपड़ा भी मैच कर चुकी हूँ, ये भी मैंने उनके लिए डाई करवाया है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसके अलावा ये वाला सूट भी उनके लिए मैंने ऑर्डर पर रेडी किया है, पिंक कलर का सिल्क कपड़ा है, काफ़ी खूबसूरत है ये वाला सूट भी। और साथ में उनके बोरजान वाले शूज़ वो मैं आपको दिखाई देती हूँ, ये भी मेरे थे तो उनको अच्छे लगे थे, उनके लिए मैंने शॉपिंग कर ली। बस लूँगी आप लोगों से इजाज़त, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।